हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के, हाउ टू यूज़ स्क्रब। मेरे पास इस वक्त एवर यूथ का स्क्रब है, जो कि मैं वॉलनट स्क्रब है जो यूज़ करने जा रही हूँ अभी। तो कितने लोग को होता है नहीं मालूम होता है कि कैसे स्क्रब को यूज़ करते हैं। लोग अक्सर कमेंट करते हैं कि स्क्रब कैसे यूज़ किया जाता है। तो नॉट ओनली एवर यूथ, कोई भी स्क्रब अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मैं आज बताऊंगी आपको कि कैसे यूज़ करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक और कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ कि आप कोई भी स्क्रब जब यूज़ करने जाए तो पहले अपने फेस को हल्के गर्म पानी से धो लें। हल्के गर्म पानी धोने से ये रीज़न ये होता है कि आपके फेस के जो वो पोर्स हैं ना, वो ओपन हो जाते हैं, जिससे कि जो भी ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स होते हैं वो इजीली वॉश आउट हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल मैंने लिया है एवर यूथ का ये वॉलनट स्क्रब, इसे मैं हाथों में ले रही हूँ। मैंने फिलहाल इतना अमाउंट में लिया है, अभी एस्पनेट हम और लेंगे। तो जब भी आप इसे लें तो अपने दोनों अपने फिंगर्स के बीच में ऐसे ऐसे अप्लाई करें और फिर अपने नोज से स्टार्ट करें, क्योंकि अक्सर हमारे व्हाइट ब्लैक हेड्स नोज, चिन, चिक एंड फोरहेड एरिया पे ही रहते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करें। इसे आप सर्कुलर मोशन में ही यूज करें। मैं इसे सर्कुलर मोशन में ही यूज कर रही हूँ। आप जब भी इसे यूज़ करें याद रखें कि इसे जेंटली रब करना है, काफ़ी इसलिए हार्ड तरीके से मत यूज़ स्क्रब करिएगा, क्योंकि इसमें जो ग्रैनुल्स होते हैं, हमारा स्किन जो है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से हमारा स्किन हार्श हो सकता है। अगर आपको लगे कि सूखा है तो आप थोड़ा सा वाटर अप्लाई करें और सॉफ्टली हैंड से, सॉफ्ट हैंड से आप इसे मसाज करते रहे। फिलहाल मुझे लगता है कि मेरे फॉरहेड पे ये कम हो रहा है। तो मैं फॉरहेड के लिए थोड़ा और यूज करूंगी। आप इसे जेंटल हाथ से, काफी सॉफ्ट हैंड से इसे अप्लाई करें, जिससे कि जो भी ब्लैक हेड्स वगैरह हैं सब इजीली निकल जाए। आप रब करते हुए इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि ये स्क्रब आपके लिप्स और आपके आईज के कांटेक्ट में ना आने पाए, क्योंकि हमारा लिप्स और आईज का एरिया काफी सॉफ्ट होता है, काफी सेंसिटिव होता है, इसलिए आप इस एरिया से दूर रखिएगा। आप इसे जेंटली हाथ से रब करिए। इतना याद रखिएगा कि आपको 30 सेकंड से ज्यादा रब नहीं करना है, क्योंकि 30 सेकंड्स काफी होते हैं। फिलहाल इस पर लिखा भी है, और इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो इसमें जो ग्रैनुल्स होते हैं ये आपके स्किन को काफ़ी हार्श कर सकते हैं। तो 30 सेकंड से ज़्यादा आप प्लीज स्क्रब मत करिएगा। थर्टी सेकेंड हमारे हो चुके हैं और अब मैं इसे वॉश करके दिखाती हूँ आपको कि क्या रिजल्ट आया। ओके, सो गाइस, मैंने अपना फेस जो है वो वॉश कर लिया है। तो वॉश करने के बाद आप इस तरह का एक सॉफ्ट टॉवल लें
मतलब अपने स्किन को काफ़ी अच्छे से टैप टैप करके ही आपको टैप करके ही पोछना है। एक और इम्पोर्टेंट टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है, जब भी आप अपने फेस को स्क्रब करें तो उसके बाद आप एक मॉइस्चराइजर क्रीम जरूर अप्लाई करें, जिससे कि आपका जो स्क्रीन पोर्स खुला हुआ है वो बंद हो चुके के ताकि, नहीं तो अगर स्क्रीन पोर्स खुले रह जाएंगे तो डर्ट्स वगैरह जाकर फिर से वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे कि एक्ने एंड यू नो पिम्पल्स प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइजर क्रीम, मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइजर क्रीम। कोई भी आप मॉइस्चराइजर यूज़ करें तो हैवी नहीं होना चाहिए, काफ़ी लाइट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ लिया है पॉन्ड्स का, तो मैं इसे अप्लाई करूँगी अपने फेस पर। आप जहाँ जहाँ आपने स्क्रब किया है, एक्सफोलिएट किया है, आप वहाँ वहाँ इसे अप्लाई करें। आप देखेंगे एक्सफोलिएटिंग के बाद आपका जो फेस है वो काफ़ी सॉफ्ट स्मूथ हो जाता है। आप इससे भी हल्के हाथों से मसाज कर लें, ज़्यादा मसाज करने की ज़रूरत नहीं है, बट हल्के हाथों से आप अपने फेस को मसाज कर लें। आप देखेंगे कि गाइस ये हो गया हमारा स्क्रब। फिलहाल आप देख रहे होंगे कि मेरा फेस जो है, मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि फेस काफ़ी क्लीन हो गया है, काफ़ी सॉफ्ट एंड स्मूथ लग रहा है। सो आप जब भी आप एवरयूथ का नेचुरल या फिर एवरयूथ का कोई भी स्क्रब यूज़ करें तो आपको मैंने जो टिप्स दी हैं फिलहाल वही टिप्स यूज़ करिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ इसे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी कोई क्वेरीज हो तो, और अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ उसे कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और हाँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं फिर से आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, तब तक के लिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।